नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बेजोड़ खबरें, मैं हूं आपके साथ आशा झा। और बात बुलेटिन में सबसे पहले योग गुरु बाबा रामदेव की। जिक्र करने भर से दो ही चीजें जहन में आती हैं, एक तो योग और दूसरा पतंजलि। और इनके प्रोडक्ट्स इन दिनों कस्बे से लेकर गांवों और शहरों से लेकर महानगरों तक में खूब बिक रहे हैं। लेकिन पतंजलि को अब किसी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं बल्कि एक दूसरे बाबा से मिली है कड़ी चुनौती। बाबा गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा के चीफ, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि पूरे 160 प्रोडक्ट्स MSG के नाम से बाजार में उतार दिए हैं और छिड़ गई है एक नई जंग। लॉन्च करने जा रहे हैं सीन नंबर 160 प्रोडक्ट्स। कल से भारत के बाजारों में उपलब्ध होने जा रहा है ये सब सामान, 160 के आसपास प्रोडक्ट्स। सीन नंबर 2, सीन नंबर 3 कि दरिया यहां से बह चला है और हमें लगता है ये बीमारियों को बुराइयों को बहा के ले जाए और तंदुरुस्ती को हर किसी के अंदर पैदा कर दे। मेक इन इंडिया के नारों को देश की आम आवाम ने कितना समझा कितना नहीं, लेकिन बाबाओं की बिरादरी इस नारे को जोर शोर से कामयाब बनाने के लिए उतर पड़ी है। इस कड़ी में योग गुरु बाबा रामदेव के बाद नाम आया है बाबा गुरमीत राम रहीम का। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा राम रहीम ने पूरे तामझाम के साथ मार्केट में उतार दिए हैं खाने पीने और आम इस्तेमाल के 160 प्रोडक्ट्स। बाबा गुरमीत राम रहीम ने जिस तरह से फिल्मों में ग्रैंड एंट्री की थी, ठीक उसी तरह प्रोडक्ट्स के बाजार में उनकी ग्रैंड एंट्री हुई। पूरे रास्ते बाबा के समर्थक पलक पांवड़े बिछाए थे और बाबा विजय भाव के साथ मंच की ओर बढ़ रहे थे। आज लॉन्च करने जा रहे हैं पूरे भारत में 160 प्रोडक्ट्स। कल से भारत के बाजारों में उपलब्ध होने जा रहा है। अपने देश में खाने पीने से जुड़े कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का बाजार बेहद विशाल है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियां ऐसी भी हैं जो जितना धंधा कई देशों को मिलाकर करती हैं, उनमें से आधा हिंदुस्तान में करती हैं। इस मार्केट को सबसे पहले बाबा रामदेव ने पहचाना था और आज पतंजलि के प्रोडक्ट्स घर घर में छाए हुए हैं। दाल चावल से लेकर घी तक, शहद से लेकर च्यवनप्राश तक, कॉस्मेटिक्स आइटम से लेकर नूडल्स तक। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के सर्वे सर्वा बाबा के सबसे करीबी आचार्य बालकृष्ण हैं। स्वदेशी और शुद्धता इन प्रोडक्ट्स की खासियत बताई गई और यही वजह है कि पब्लिक ने भी इन्हें हाथों हाथ लिया। लेकिन प्रोडक्ट्स के इसी बाजार में बाबा रामदेव को पहली बड़ी चुनौती किसी मल्टीनेशनल कंपनी से नहीं मिली बल्कि एक और बाबा गुरमीत राम रहीम से मिली है। MSG रेंज पतंजलि के प्रोडक्ट्स को टक्कर देने के लिए उतर पड़ा है। पतंजलि की तरह बाबा गुरमीत का जोर भी शुद्धता पर है। हमने इनसे यही बात की कि क्वांटिटी आप कम ज्यादा कर लें पर क्वालिटी से कोई समझौता ना करें कि जब तक आप ये रखेंगे तो हम आपके साथ हैं, भाई नहीं रखेंगे तो। हमने इनसे यही बोला, यही लिखवाया कि ऐसा नहीं होगा कि मान लो डिमांड इतनी ज़्यादा है और वो हमने देखा कि ये दिन रात लगे हुए हैं, रातों रात मशीनें इनकी आ रही हैं लग रही हैं, फिर भी ये पूरा नहीं कर पा रहे। डिमांड इतनी ज़्यादा है, इन्होंने जो बताया है हमें रोज़ाना ही ये बताते रहे हैं, बात होती रही है क्योंकि हम शूटिंग में थे तो ये लोग आते रहते थे, तो इन्होंने यही बताया कि बे इंतहा डिमांड है लेकिन हम पूरी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम ऐसा कुछ दोगली चीज़ पैदा नहीं करना चाहते। देश के कंज्यूमर मार्केट में दो कॉरपोरेट कंपनियों या मल्टीनेशनल कंपनियों के बीच कारोबारी होड़ के मामले अक्सर सामने आते हैं। बाजार जो है वो प्रतियोगिता की शर्तें तय करता है। ऐसे में बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स को सबसे बड़ी चुनौती किसी और से आई तो वो बाबा गुरमीत की ओर से। सवाल ये भी उठने लगा कि बाकी कंपनियों का क्या होगा, क्या उन्हें अपनी दुकान समेटनी होगी? तो सुनिए इस पर बाबा गुरमीत राम रहीम का जवाब। नहीं, उनको भी ऑर्गेनिक लॉन्च करना चाहिए और उनको भी ऐसी ही क्वालिटी लानी चाहिए हमारे ख्याल से है। हम नहीं चाहते कि कोई किसी का बंद हो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये अच्छा लाएंगे तो वो भी अच्छा लाएं, कंपटीशन में आए। और हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारा समाज